हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एग्री एग्जामर। माय सेल्फ अभिषेक दुबे, और आज हम पढ़ेंगे मेजर डिजीज द पोटैटो, पोटैटो में होने वाले महत्वपूर्ण रोग। तो इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और ब्लैक स्क्रफ अवार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं लेट ब्लाइट। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक फंगल होता है। तो इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, ब्राइट ब्राउन एंड इरेगुलर पैचेस स्टार्ट फ्रॉम लीफ टिप ऑफ लीफ मार्जिन। जैसे कि हमारा ये लीफ है, तो इसके मार्जिन से, मतलब मार्जिन से, साइड से और इसके टिप से स्टार्ट होता है, ब्राउट ब्राउन पैचेस स्टार्ट होता है, और जो लेटर ऑन टर्नड इन ब्राउन ब्लैक पैचेस, जो बाद में हमारा ब्राइट ब्राउन जो है वो ब्राउन टू ब्लैक हो जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्राउंड लीफ शोस फर्स्ट सिम्टम फर्स्ट, जो हमारी ग्राउंड लीफ सबसे निचली पत्तियाँ होती हैं वो सबसे पहले सिम्टम को अपीयर करते हैं, उनमें सबसे पहले सिम्टम देखा जाता है। फिर इसके बाद है ऑफन डार्क स्पॉट्स मस्ट टू गिव लीफ बर्निंग अपीयरेंस। इसके बाद में जो हमारा, मतलब जो पत्तियां हमारे इन्फेक्टेड हैं वो बर्निंग अपीयरेंस देती हैं, जली हुई अपीयरेंस देती हैं। फिर अगर एक बार जो हमारी लीफ है वो इन्फेक्टेड हो गई है, तो उसमें पत्तियों में जो है डिफोलिएशन होता है, झड़ने लगती हैं, और एंड फॉल ऑफ इन वन डे इन सेवरिटी। अगर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सेवर्टी है लेट ब्लाइट की, तो जो हमारा पूरा का पूरा प्लांट है उसकी जो पत्तियां हैं एक ही दिन में झड़ जाती हैं, डिफोलिएशन हो जाता है। और इसका मेजर रीज़न क्या है फॉर डिजीज़ डेवलप? तो इसका डिजीज़ डेवलप होने के लिए सबसे मेजर रीज़न है कि ह्यूमिडिटी उस एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा हाई होती है और टेम्परेचर जो होता है बहुत कम होता है। ऐसा नॉर्मली जो है हमारा फर्स्ट वीक और 15th वीक के बीच में होता है या उसके पहले होता है। तो हमारा जो मेजर डेवलप डिजीज़ होने का कारण है कि हमारा ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है और टेम्परेचर जो होता है वो भी बहुत कम होता है। इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैंकोजेब या जिनेब का एट द रेट 2 से 2.5 किलोग्राम 10 लीटर वाटर में पर हेक्टेयर की दर से यूज़ करते हैं। इसका स्प्रे करते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ लेट ब्लाइट। या फिर हम रेसिस्टेंट वेराइटीज़ जैसे कि कुफरी अलंकार एंड कुफरी ज्योति को उगा सकते हैं, सोविंग करना चाहिए। फिर रेगुलर विजिट योर फील्ड इन्फेक्टेड प्लांट रिमूव एंड बर्न। हमें रेगुलर अपने फील्ड पे विजिट करना चाहिए। अगर हमें कोई भी प्लांट हमें इन्फेक्टेड दिखाई देता है तो हमें उसको तुरंत वहाँ से निकाल देना चाहिए और उसको जला देना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ है, आप पिक्स देख सकते हैं। देखिए स्टेम पे ब्लाइट का अपीरियंस है, ब्राउन टू ब्लैक अपीरियंस दे रहा है और उसके बाद ये डिफोलिएशन टूट के गिर चुका है। इसमें आप पत्तियों पे देख सकते हैं कि मार्जिन से, इसमें देखिए आप पत्तियां जो है मार्जिन से जली हुई दिख रही हैं और इसके बाद डिफोलिएशन स्टार्ट हो जाता है। ये ट्यूबर्स हैं जो कि लेट ब्लाइट से इन्फेक्टेड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्ली ब्लाइट। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो फंगल है अल्टरनेरिया सुलैनी। ये कोलेट्रल होस्ट भी है, जैसे कि यह टोमेटो में भी अर्ली ब्लाइट कॉज करता है। तो इसका सिम्टम्स क्या है? कॉन्सेंट्रेटिंग रिंग और टारगेट बेस्ड अपीयरिंग ऑन द लीफ स्पॉट्स। तो इसमें जो हमारा जो सिम्टम होता है कि एक टारगेट, एक मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे कि सेंट्रल पे या साइड में ही एक स्पेसिफिक जगह पे अपीयर होता है, और इसका जो स्पॉट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इरेगुलरली, मतलब अचानक एक एक जगह अपनी जगह से दूसरी जगह पे इरेगुलर और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट्स, ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। और इसका कोलेटरल होस्ट जो है टोमेटो होता है, मतलब ये टोमेटो पे भी स्टे करता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं कि हमें जो प्लांट डिब्रिज हैं या जो हमारे इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उसको हमें जला देना चाहिए और जिनेब या मैंकोजेब का स्प्रे करना चाहिए 2 से 2.5 लीटर 10 लीटर वाटर में और पर हेक्टेयर की दर से। आप पिक्स में देख सकते हैं कि ब्लैक टू ब्राउन टू ब्लैक अपीयरेंस दिख रहा है और कंसेंट्रेटिंग रिंग ब्रॉड में दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सर्कुलर टाइप का जो भी हमारा अपीयरेंस होता है सर्कुलर टाइप में दिखता है, जबकि लेट ब्लाइट में मार्जिन से स्टार्ट होता है लेकिन इरेगुलर एंड अनसिक्योर होता है। नेक्स्ट डिजीज है हमारा ब्लैक स्क्रब। टेलिकुलारिया फिलामेंटोसा के कॉजल ऑर्गेनिज्म है और इसके सिम्टम्स जो होते हैं, सरफेस ऑफ ट्यूबर कवर्ड विथ ब्लैक इन क्रस्टेशन स्क्लेरेटा ऑफ पैथोजन। जो हमारा ट्यूबर होता है, जैसे कि ट्यूबर हो गया, इसके कहीं कहीं पे हमें मासेस दिखते हैं, मतलब बहुत सारे
ट्यूबर जो हमारा है स्क्लेरिटिया पैथोजन का जो स्क्लेरिटिया होता है उससे ढक जाता है, कवर हो जाता है, तो जिसकी वजह से ग्रोविंग टिप्स ऑफ ट्यूबर्स स्प्राउट्स आर किल्ड, जो हमारी ग्रोविंग टिप्स होती हैं या स्प्राउट्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। फिर इन स्टेम कैंकर फेस द स्प्राउट्स किल बिफोर इमर्ज, जो स्टेम कैंकर फेस होता है, स्टेम का जो कैंकर फेस होता है उसमें हमारे जो स्प्राउट्स हैं या जो निकलने वाले हैं वो इमर्ज होने से पहले ही मर जाते हैं ब्लैक स्क्रब डिजीज में। द कैंकर में कॉज बिल्डिंग ऑफ द प्लांट आल्सो, और जो कैंकर होता है वो प्लांट में बिल्डिंग, मतलब कि जो हमारा प्लांट है वो सूख जाता है और उसकी जो पत्तियां होती हैं वो गिर जाती हैं, वो भी शो करता है। और इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, द सीड ट्यूबर शुड बी डिप्ड इन 0.5% सस्पेंशन एरेटोन और एगोलॉल फॉर 10 मिनट्स। इसका जो सीड ट्यूबर है जो स्क्रब डिजीज से इन्फेक्टेड हैं ट्यूबर्स, उनको हमें सस्पेंशन 0.5% सस्पेंशन में एगोलॉल या एरेटोन का 10 मिनट के लिए डिप्ड कर देना चाहिए, उसके बाद हमें उसे यूज़ करना चाहिए। फिर सॉइल ट्रीटमेंट करना चाहिए विथ ब्रासिकोल एट द रेट 20 से 30 किलोग्राम एज फरो एप्लीकेशन, फरो एप्लीकेशन के रूप में या फरो एप्लीकेशन के द्वारा हमें सॉइल ट्रीटमेंट करनी चाहिए ब्रैसिकोल के द्वारा। आप पिक्स में देख सकते हैं कि पूरा मास स्क्लेरिटिया पैथोजन का डेवलप हो चुका है ट्यूबर्स में, जिसकी वजह से जो स्प्राउट्स इसमें निकलने वाले थे उनकी डेथ हो जाती है, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, और स्टेम कैंकर फेस में वो इमर्ज होने से पहले ही डेथ कॉज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा वार्ट डिजीज़, सिनक्रेंटम एंटीबायोटिकम, ये बहुत महत्वपूर्ण डिजीज़ है पश्चिम बंगाल के लिए। इसको इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में हॉलैंड से इन 1952। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वार्ट डिजीज़ इंडिया में कब आया था, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था हॉलैंड से इन 1952 इन इंडिया। तो ये डिजीज़ जो है नॉर्मली ये फाउंड होती है दार्जिलिंग हिल ऑफ वेस्ट बंगाल एंड जस्ट सराउंडिंग एरियाज, जो हमारे दार्जिलिंग हिल है वेस्ट बंगाल की और उसके जो सराउंडिंग एरिया जैसे आसाम हो गया या आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, सीवियर कंडीशन में पाया जाता है। द डिजीज इज रिकोगनाइज्ड अपेरियंस ऑफ ट्यूबर्स डेवलप मासेस वार्ट ऑन द स्टेम एंड ट्यूबर्स, जो हमारा स्टेम है या ट्यूबर जो है हमारा इस पे हमें वार्ट मतलब गांठ के जैसे बहुत सारी गांठ हमें दिखाई देती हैं, और हमारा जो प्लांट का क्वालिटी होती है या क्वांटिटी होती है वो भी इन्फेक्टेड होती है, और प्लांट जो हमारा ट्यूबर होता है उसकी जो मतलब एक तरीके से क्वालिटी ख़राब हो जाती है और अपीरियंस दिखाई देता है वार्ट की तरह। समटाइम्स होल ट्यूबर इज कन्वर्टेड इंटू डिसऑर्डर्ड मास, और कभी कभी जो पूरा हमारा ट्यूबर होता है वो पूरा का पूरा डिसऑर्डर्ड मास में कन्वर्टेड हो जाता है। नॉर्मली जो ट्यूबर्स होते हैं उससे बहुत डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से मार्केट में वैल्यू भी कम होती है। और इसके कंट्रोल के लिए हमें रेसिस्टेंट वेराइटी यूज़ करनी चाहिए, और जो हमारे इन्फेक्टेड ट्यूबर्स हैं उनको हमें नहीं लगाना चाहिए और जला देना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें वाइट ट्यूबर जैसा अपीयरेंस दिखाई दे रहा है। नॉर्मली जो हमारा मतलब एक तरीके से जो स्प्राउट्स होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि वाइट की वजह से बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कभी कभी पूरा प्लांट ही जैसे कि साइड साइड वाला भी यहाँ से भी वाइट हो जाता है, और पूरा प्लांट जो हमारा वाइटिस अपीयरेंस देने लगता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्रीसीवियस कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।